नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लॉकडाउन जारी रखने का क्या है मानदंड, 17 मई के बाद में कैसे? कांग्रेस नेताओं संग बैठक में पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा है 17 मई के बाद क्या और 17 मई के बाद कैसे। सरकार किन मानदंडों का इस्तेमाल कर यह तय कर रही है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। वहीं पी चिदम्बरम ने कहा राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है और भारत सरकार पैसे आवंटित नहीं कर रही है। राजस्थान को ₹10,000 करोड़ का हुआ नुकसान, व्यापक पैकेज बिना देश कैसे चलेगा। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी संग बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जब तक व्यापक पैकेज नहीं दिया जाएगा देश व राज्य कैसे चलेगा। उन्होंने कहा हमें 10,000 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है, राज्य लगातार प्रधानमंत्री से पैकेज का ऐलान करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिना कोविड-19 टेस्ट के अन्य देशों से भारतीयों को वापस लाना जोखिम भरा। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि केंद्र ने सूचित किया है कि वह कोविड-19 टेस्ट बिना ही अन्य देशों से भारतीयों को वापस ला रही है। उन्होंने कहा इससे कोविड-19 फैलने का खतरा बढ़ेगा, परीक्षण होना चाहिए। मैंने इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया है। सरकार 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना शुरू करेगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।